तो सबसे पहले सभी को जय हिंद। मैं फिजिकल ट्रेनर कौशल कुमार सभी का स्वागत करता हूँ चेतक फिजिकल एकेडमी जमुई में। वीडियो बना के डाल गया होगा, हम भी खुद स्टेटस डाले थे जैसे रात में, तो बात हमको जैसे कि पता चला जिस तरह से हम उसी अनुसार से आपको हम बता रहे हैं कि इस बार भी जिस मद निषेध में जो सो कि टाइगर जिम बंद कर दिया गया है। तो देखिए आप लोग है क्या कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कहीं नोटिस नहीं दिया गया है, तो आप लोग को हम ये बता दें कि इसमें कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया जाता। तो जैसे कि 2446 सीट में दरोगा का जो चल रहा था बहाली फिजिकल, तो उस टाइम क्या है कि उस टाइम भी बिना कोई नोटिस का सीधा बंद कर दिया गया टाइगर जम। तो उसी तरह आप सेम हमको भी अब लग रहा है कि उसी तरह इसमें भी सेम टाइगर जम बंद कर दिया गया है। तो आप लोग को अब करना क्या है, तो आप लोग हम सिंपल बता दें कि अभी आप लोग जो टाइगर जम कर रहे थे, ठीक है, अगर जो किसी को तो ये कन्फर्म नहीं मालूम है कि बंद ही है, तो जहाँ तक है कि हमको जिस तरह पता चला उसी तरह हम भी बता रहे हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि टाइगर जंप ठीक है बंद हो गया, तो अभी आपको क्या करना है, सीजर जंप सीख लेना है, सीजर या बेली। तो आप लोगों को सबसे पहले ये क्लियर कर दे कि अगर जो बंद होगा टाइगर जंप, तो आपको यह है कि अगर जो टाइगर जंप बंद होगा तो आपको हाई जंप के लिए गद्दा नहीं देगा, और रह गया कि आपका स्टैंड देगा और बालू। तो स्टैंड पाइप का क्या है कि जो रेड वाला पाइप जो लगता था पहले, वो उसी पे लगेगा, फिर से रेड वाला पाइप रहेगा ही जो कि लोहा का जो हल्का सा होता है पतला चादर का, तो वो आपका रहेगा और बालू रहेगा। तो उसमें आप क्या है कि आप सीजर जंप या बेली जंप कर सकते हैं आराम से। बेक जंप करने में थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पे दिक्कत होता है, रहेगा आपका अच्छा खासा बालू रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, आराम से आप सीखिए सीजर जंप और बेली जंप बालू पे। और आ गया आपका टाइगर जंप, तो ये किसी को कन्फर्म तो नहीं है, एकदम 100 में 100 किसी को पता नहीं है, ठीक है, हम भी 99% ही बोलेंगे, 1% नहीं बोलेंगे। तो इसलिए क्या है कि आप क्या है कि टाइगर जंप जो जितना मार रहे थे, ठीक है, अब जितना आपको सीखना था सीख लिए टाइगर जंप। तो अब आपको क्या करना है कि एक दो बार, एक दिन के बाद एक दिन, ऐसे एक दो बार आप जंप कीजिए जितना आप करते थे टाइगर जंप। बाय द वे अगर जो ले तो ले, ठीक है, अगर जो वो हो गया तो आपको क्या करना है, उस पर विशेष ध्यान नहीं देना टाइगर जंप पे, जो सीखना था आप सीखे हैं, अब उसके बाद विशेष ध्यान देना आपको सीजर जंप और गोला और ये दौड़ पे। तो आपको ये भी करना है, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि आपका अब ये नहीं कि ज़्यादा करने के चक्कर में, ज़्यादा मारने के चक्कर में पैर में इंजरी उठा ले, ठीक है ना, अगर जो पैर में इंजरी आपका हो जाएगा तब तो फिर आपका कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपको हम कहेंगे कि अपना माइंड को शांत करके, ठीक है ना, जब से ये लड़का लोग सुना है कि ये टाइगर जंप हटा दिया है लड़की लोग, तो वो लोग बहुत टेंशन में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मतलब कि जा रहा है। तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना, खुद को डीमोटिवेट नहीं करना, यानी खुद को मोटिवेट करना, ठीक है। तो आप लोग आराम से जिस तरह बताया है उस तरह आप मेहनत कीजिए और पैर को बचाते हुए कीजिए, आपका 100% हो जाएगा। अगर जो कटअप जाएगा तो सबके सेम ही कटअप जाएगा, यानी कम ही कटअप जाएगा, सबके लिए उतना ही फिजिकल में नंबर उठेगा, ठीक है ना, कोई 5 से 10 दिन में कोई 5 फीट जंप नहीं हो जाएगा या 4 फीट लगा के लोग नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सीजर जंप आप आराम से सीखिए और अपने विश्वास के साथ जाइए, आपका मेरिट बनेगा, 100% नंबर उठेगा, ठीक है, अगर जो आप हल्का सा मेहनत करते हैं तो। और खास करके हम यही बोलेंगे बार बार कि पैर बचा के, ठीक है। अगर जो हमारा ये जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई तरह का समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका जानकारी आपको देंगे वीडियो के माध्यम से या रिप्लाई भी दे सकते हैं। तो इसलिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।